गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 23 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आपका सक्सेस मंथ चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो इंडियन जो हमारे आसपास का सिनेरियो चल रहा है वहाँ हो, या फिर हमारे वर्ल्ड में क्या घटनाएँ घटी उससे रिलेटेड हो। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले आपके सामने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसके अलावा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों से रिलेटेड सीरीज़ आने वाली है। आज जीएस पेपर 2 से रिलेटेड मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी, तो आप लोग उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में ATM मशीन स्थापित की है? ऑप्शन है आपके दक्षिण मध्य रेलवे जोन, पूर्व मध्य रेलवे जोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य रेलवे जोन। चलिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि दोनों सेम कलर का हो जा रहा है। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टिकन चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ATM मशीन का जो उद्देश्य होता है वो COVID-19 महामारी को रोकने के लिए होता है। भारतीय रेलवे जो इंडियन रेलवे है उसकी जो स्थापना हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी जो रेल मंत्री हैं, जो कि करंट के रेल मंत्री हैं, वो हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो विनोद कुमार यादव हैं, और RPFS महानिदेशक जो हैं वो हैं अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के अगर हम पहले रेल मंत्री की बात करें तो वो हमारे थे जॉन मथाई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो GK फैक्ट्स हैं, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने इकोनॉमिक्स थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनमें से? तो ये इन नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो हैं RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। NIPFP, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, मतलब कि राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1976 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है खनन और खनिज क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। और प्रहलाद जोशी अगर बात करते हैं तो वो है केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी $150 अरब के बाजार पूंजीकरण वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री $150 अरब के बाजार पूंजीकरण वाले देश की फर्स्ट कंपनी है, और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटल 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले से कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर है? तो ये भी मुकेश अम्बानी की रिलायंस जियो ही है। रिलायंस जियो इंटरनेट की स्पीड के मामले में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे इन इंडिया। रिलायंस जियो ने 4G सेगमेंट में यूजर्स को 14.1 Mbps की एवरेज डाउनलोड की स्पीड दी, और स्पीड चेक करने के लिए ट्राई ने माई स्पीड ऐप का इस्तेमाल भी यहां पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन चुना गया? एक क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। वे विजय केलकर की जगह 22 जून 2020 से स्थान ग्रहण करेंगे, और विजय केलकर को 1 नवंबर 2014 को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की राजधानी मॉस्को में होने वाले 75th ऐतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे? तो जिसको पता होगा कि मॉस्को किसकी राजधानी है वो इसका आंसर बड़े आराम से दे देगा। तो ये है रूस।
24 जून को होने वाली इस विक्ट्री परेड में मौजूद रूस के मित्र देशों के सर्वोच्च बलिदान के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था वो हटा दिया है, मतलब पहले प्रतिबंध लगाया था कोरोना की वजह से, अब वो प्रतिबंध हटा दिया गया है, तो वो है स्पेन के देश में, स्पेन में। अब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के पर्यटकों को आने की यहाँ इजाज़त दी जाएगी, बट स्पेन के बाद, स्पेन आने के बाद एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की यहाँ पे फुल चेकिंग की जाएगी। चलिए आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ गिव मी अ कमेंट फॉर योर साइड, बिकॉज उससे ही मुझे पता चलता है कि क्या चीज़ सही चल रही है हमारे चैनल पर क्या नहीं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।